आज फिर यूट्यूबर मनीष कश्यप के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार ने कोर्ट में वो सारी दलीलें सामने रखी जिसके आधार पर मनीष कश्यप पर NSA लगा है। दरअसल पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने पूछा था कि मनीष पर NSA क्यों लगाया गया है। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल किया जिसमें एक एक कर NSA लगाने की वजह बताई गई। सरकार ने दलील दी कि मनीष कश्यप के खिलाफ ना तो FIR रद्द की जा सकती है ना ही NSA हटाया जा सकता है। एफिडेविट में जो तीन अहम बातें कही गई हैं, सबसे पहले उसे जान लीजिए जिससे लगभग साफ हो जाएगा कि आखिर कश्यप पर NSA क्यों लगाया गया। तमिलनाडु सरकार ने अपनी पहली दलील कहा, मनीष कश्यप ने झूठी खबरों के साथ वीडियो बनाया और उन्हें सांप्रदायिक नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल किया। तमिलनाडु सरकार ने अपनी दूसरी दलील में कहा, मनीष कश्यप ने वीडियो के साथ छेड़छाड़ की और उसके बैकग्राउंड में फर्जी क्लिप का इस्तेमाल किया और इसके जरिए उसने बताने की कोशिश की कि मजदूरों के साथ तमिलनाडु में मारपीट की जा रही है। तमिलनाडु सरकार की तीसरी दलील में कहा गया, मनीष कश्यप नफरत फैलाने के एजेंडे से तमिलनाडु के दौरे पर आया था और प्रवासी और मजदूरों से अपने पक्ष में बयानबाजी करवाई थी। तमिलनाडु सरकार ने अपने हलफनामे में बिल्कुल साफ कह दिया था कि ना तो कश्यप पर लगा NSA हटाया जाएगा ना ही कश्यप के खिलाफ वो FIR खारिज होगी, क्योंकि कश्यप ने तमिलनाडु में प्रवासियों को पीट पीट कर मार डालने का दावा करते हुए वीडियो में छेड़छाड़ की है और गलत वीडियो दिखाकर लोगों को बरगलाने की कोशिश की है। दरअसल पिछली सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा ने तमिलनाडु सरकार के वकील कपिल सिब्बल से पूछा था कि मनीष पर NSA क्यों लगा। उस सुनवाई में कपिल सिब्बल ने कहा था कि मनीष कश्यप ने 3 से 4 वीडियो अपलोड किए थे, इससे माहौल खराब हो गया था। वो पहले भी ऐसा कर चुका है, उसके 60 लाख फॉलोअर्स हैं, वह एक राजनेता है और चुनाव भी लड़ चुका है, वो पत्रकार तो बिल्कुल नहीं है। दरअसल यूट्यूबर मनीष कश्यप ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उसने बिहार और तमिलनाडु में दर्ज FIR को क्लब करने की मांग की है, साथ ही उसने कोर्ट से जमानत की भी मांग की है। मनीष कश्यप को पहले बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया था, बाद में तमिलनाडु पुलिस को सौंप दिया गया था। कश्यप के खिलाफ दोनों राज्यों में फेक न्यूज और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के आरोप में 6 FIR दर्ज है। तमिलनाडु सरकार ने मनीष कश्यप पर NSA भी लगाया है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।